गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े अब 50 के नीचे आ रहे हैं। रविवार को 24 घंटे के अंदर केवल 35 नए मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति और एक 71 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,312 पहुंच गया है। इनमें 18,502 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 315 है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 495 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। एंटीजन और आरटीपीसीआर की जांच में भी ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, ये बेहद सुखद है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ठंड के मौसम में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका बन रही है, ऐसे में लोगों को बताई गई सावधानियों को बरतने की जरूरत है। रविवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 12 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर और कोतवाली थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 4-4 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कैंट में 3 और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 1 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 14 नए मरीज मिले हैं। इनमें बढ़लगंज, खजनी, खगा और खोराबार में 1-1, बटट और सजनवा में 2-2 और चरगावा में 6 मरीज मिले हैं। इनके अलावा 9 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने किया है।